हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नाइफ के बारे में, जिसको हिंदी में चाकू कहा जाता है। ये मेरे शॉप में बहुत सारे वैरायटी के चाकू है, उसमें से कौन सा चाकू हमें कितना पैसा में मिलता है, कौन सा चाकू का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, उसके साथ ही मेरे शॉप में कुछ पिलर का मटेरियल है और चॉपिंग बोर्ड का मटेरियल है। इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा चाकू हमें कितना पैसा में मिलता है, उसका होलसेल रेट क्या होता है, रिटेल रेट क्या होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास है, ये नॉर्मल चाकू बोलते हैं इसको, जो 10 रुपए की रेंज में जाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एकदम सादे क्वालिटी के रहते हैं, बोले तो एकदम नॉर्मल यूज के लिए है। ये इस तरह से रहता है, एकदम इसका बोले तो उतना स्टैंडर्ड नहीं रहता, लेकिन ये 10 रुपये में सेल होता है, जो हमें होलसेल में 7 रुपीज़ का एक मिलता है। 84 रुपीज़ का ये पूरा पत्ता एक डज़न का हमें मिलता है। उसके साथ उसी के समान ये पिलर भी होता है, जिसको हम आलू छीलने में या कौन सा भी फल छीलने में यूज़ करते हैं। ये भी हमें 84 रुपीज़ का डज़न और 10 रुपये का इसका रिटेल होता है। अब ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी में है, मेड इन चाइना का माल है ये किचन नाइफ, एक देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ी साइज है ये। यहाँ में मिलता है 45 रुपीज़ का पीस, जिसकी मिनिमम रिटेलिंग 70 या 60 रुपीज़ तक होती है। एकदम शार्प चाकू, ये मेड इन चाइना का माल है ये। ये भी हमें एक डज़न का पूरा बॉक्स मिलता है कुछ इस तरह से, जिसकी रिटेलिंग 60-70 रुपीज़ होती है। हमें मिनिमम होलसेल अगर दुकानदारी के लेना तो एक बॉक्स लेना ही पड़ता है। उसके बाद ये रॉकेट ब्रांड का चाकू है, ये बहुत ही अच्छी ब्रांड है, एक देख सकते हैं आप। यह हमें एक चाकू 20 रुपीज़ में मिलता है, जिसकी रिटेलिंग 30 या 35 रुपीज़ तक होती है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रहता है ये, सिर्फ नाम से चलता है माल, रॉकेट कंपनी का। ये मेड इन जर्मनी की कंपनी है। उसके बाद इधर भी कुछ माल है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, ये भी इस तरह के चाकू है, जो मुझे 20 रुपीज़ का मिला था, जिसकी रिटेलिंग 30 या 40 रुपीज़ तक होती है। ये भी है 10 रुपीज़ का मिलता है, जिसकी रिटेलिंग 15 या 20 रुपीज़ तक होती है। ये भी बहुत ही शार्प चाकू है, बहुत ही बड़ा साइज़ में, ये देखिए आप। ये हमें होलसेल 45 का मिलता है, जिसकी रिटेलिंग 60 या 70 रुपीज़ तक होती है। उसके बाद ये देखिए आप, मेरे पास पिलर का मटेरियल है, ये पूरा स्टील में है कुछ इस तरह से, ऊपर से नीचे तक पूरा स्टील में बना हुआ है। इसको एक हैंडल भी दिया हुआ है लगाने के लिए। ये मुझे मिला था 25 रुपीज़ का, एक सिंगल पीस मिला था मुझे, ये 300 रुपीज़ का डज़न मिलता है ये, 25 रुपीज़ का पीस, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 40 या 45 रुपीज़ तक होती है। ये पूरा स्टील का है, जो होटल के लिए या फिर जिनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है वो लोग इसको लेके जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ चॉपिंग बोर्ड का मटेरियल है। ये हमें मिलता है होलसेल में 75 रुपीज़ का, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 90 या 100 रुपीज़ तक होती है। ये नॉर्मल क्वालिटी का है। उसके बाद उसी में अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेने जाएंगे तो ये आएगा, यहाँ में 150 का होलसेल में मिलता है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 200 तक होती है। उसमें बहुत सारे बोले तो इमेजेस पिक्चर्स रहते हैं। ये अभी मेरे शॉप पे दो है, मैं आपको दो दिखा रहे हैं। आपने गाँव की तरफ देखे ही होंगे, इसको हिंदी में विली बोलते हैं, जिसको बैठ के हम अगर कुछ सब्जी वो कट करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं, बैठ के यूज़ होता है ये। ये हमें 50 रुपीज़ का मिलता है होलसेल में, जिसकी मिनिमम 70 या 75 तक रिटेलिंग होती है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के हैं मेरे पास, ये आप देख सकते हैं वहाँ पर, बहुत सारा टाइप में इसका मटेरियल अवेलेबल है मेरे शॉप में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो था आपको नाइफ और पिलर चॉपिंग बोर्ड के बारे में बताने का, कि कौन सा चॉपिंग बोर्ड कितना पैसा में मिलता है, इंडस्ट्री एरिया के लिए कौन सा यूज़ होता है, बड़े किचन्स में छोटे किचन्स में कौन से यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में बताने का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।